एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आ गई हूँ मैक के जेल लाइनर का। और मैक का जेल लाइनर जो है वो मैंने पता नहीं क्यों इतना पेंडिंग किया है रिव्यू, क्योंकि मैंने बहुत पहले लिया हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो मैं आज आपको वन बाय वन सारी क्वालिटीज़ बताने वाली हूँ, प्राइस बताने वाली हूँ, कहाँ से लेना है और मैंने कहाँ से लिया है वो सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैक के प्रोडक्ट्स जब भी मैं रिव्यू करती हूँ कि कहाँ से लें। देखो, इंडिया में मैक के आई डोंट नो स्टोर्स हैं या नहीं, लेकिन आप नायका से ले सकते हैं, नायका के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और मैं कुवैत में रहती हूँ, तो कुवैत में मैं जाकर मॉल में ऑथेंटिक स्टोर्स जो हैं यहाँ के वहाँ से लेती हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है, जब मैंने रूबी व्यू का, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि आपके प्रोडक्ट्स नकली हैं, ये वो है, मेरे नकली नहीं हैं। मैंने स्टोर का भी पूरा विजिट आप लोगों को दिखाया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी लिंक दे दूंगी। मैक के जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, स्टोर टूर एंड रिव्यूज, उन सबको आप देख सकते हैं। तो मैक का जेल लाइनर जो है वो मैंने यहाँ से ही लिया है, कुवैत के स्टोर से लिया है, और यहाँ पर कोई भी सेल वगैरह नहीं आती इन सारे प्रोडक्ट्स पर, तो मैंने ओरिजिनल प्राइस में लिया है। इसमें आते हैं टू शेड्स, नंबर वन इज ब्लैक, नंबर टू इज ब्राउन। मुझे जो है वो ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी है ब्रिटिश स्किन, तो इस पर ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका ब्लैक कलर ना जेट ब्लैक है, जो आपकी ब्रिटिश स्किन या डार्क टोन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करूँ तो इसके ऊपर एक कवर आता है, इसके साथ कोई भी ब्रशेज वगैरह कुछ भी नहीं आती। जैसे अगर आप दूसरे ब्रांड्स की बात करें कि मेबलिन वगैरह या लैक्मे के साथ एक थिन सी ब्रश आती है लाइनर लगाने के लिए, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं आता है। इस तरह का एक पॉट आता है और क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं मैंने किस हद तक यूज़ कर लिया है, और अभी भी ये आई थिंक पता नहीं कब तक चलेगा, बहुत ज़्यादा चलने वाला है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है। उसके बाद आता है प्राइस एंड क्वालिटी। तो प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वालिटी की मैं बात करूँ, मैंने लास्ट ईयर्स मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के ट्राई किए, बिकॉज मैक का जेल लाइनर मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था, तो मैंने मेबलिन का ले लिया। मेबलिन का मुझे आई थिंक 400 या 450 में कुछ ऐसा मिल गया था, और मैं बताऊं आपको, मैंने उसे ढंग से यूज़ भी नहीं किया, तब तक तो वो ड्राई हो गया। मैं उसे माइक्रोवेव में रख रख के उसे मैं थोड़ा सा पिघलाती थी, या मैं उसमें कुछ लिक्विड डालती थी, लास्ट में इस हद तक टाइट हो गया कि वो भी काम नहीं कर रहे थे, कोई भी हैक्स उस पर काम नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा कि सारे ही जेल लाइनर्स ऐसे होते हैं। फिर फाइनली मैंने मैक का ट्राई किया, बिकॉज मुझे जेल लाइनर लगाना बहुत ज्यादा इजी लगता है। जब से मैंने मैक का लाइनर लिया है, इट्स बीन आई थिंक 2 इयर्स, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, ये एज इट इज काम कर रहा है। मैं आपको दिखा देती हूं, मैं इसको यूज करने के लिए लेती हूं एक एंगल ब्रश, और ये देखो, ये मैंने जरा सा डिप किया, ये है इसका शेड, एकदम डार्क ब्लैक है, बहुत सुंदर लगता है। और मैं ये एंगुलर ब्रश लेती हूँ, तो इससे लगाना मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है, वन को में लग जाता है। अगर आप टेप वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, या पाउडर वगैरह लगाना चाहते हैं, बिल्कुल भी ये गिरता नहीं है आपकी स्किन पे, एकदम जैसे आप स्मूथली लगा सकते हैं, बहुत ही स्मूथ है। और मैं इस तरीके से इसे लगा लेती हूँ, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से लग गया, और मैं इसे फटाफट से थोड़ा सा मर्ज भी कर लेती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा स्मोकी आइज चाहिए तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अलग से आपको आई शेडो लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप काजल के तरीके से इसे यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं कभी कभी, मेरे पास ब्लैक बिंदी नहीं है तो मैं ब्लैक बिंदी के तरीके से भी यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप ब्राउन कलर का लेते हैं तो थोड़ी सी आप हल्के हाथ से उसे आईब्रोज भी फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्लैक आईब्रोज पसंद है तो आप इसी तरह की एक ब्रश ले लें और आईब्रोज भी बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ब्राउन ही रखना पसंद करती हूं। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगता है, बट मैक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही थोड़े से प्राइसी होते हैं। सेकंड, इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे 2 या 2.5 साल हो गए और बिल्कुल भी मेरा जो जेल लाइनर है बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ, जबकि मेरा मेबलिन का जो लाइनर था वो 6 महीने में ड्राई हो गया। मैं मेबलिन की बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे मेबलिन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जेल लाइनर मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मे बी कुवैत की वजह से मेरा ड्राई हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन मैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया है। इसके साथ कोई ब्रश नहीं आती है, तो आपको अलग से ब्रश खरीदनी पड़ेगी इसके लिए। एंड बहुत अच्छा इसका ब्लैक कलर है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो आपको जेट ब्लैक नहीं मिलता है,
तो मैक का जो ये ब्लैक कलर है, जेट ब्लैक कलर है, अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो भी बहुत अच्छे से हाईलाइट और बहुत अच्छे से निखर के आएगा वो आपकी आंखों पर। इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, आईब्रोज के लिए या स्मोकी आईज बनाने के लिए, काजल के तरीके से या लाइनर के तरीके से, या अगर आपको ड्रामेटिक कुछ भी लुक करना है तो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही स्लाइडिंग वे में, बहुत ही अच्छे क्रीमी है, तो आप कोई भी शेप अगर आपको आईज को देनी है तो बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका नंबर वन है। प्राइस क्योंकि मैक का है तो थोड़ा सा प्राइजी है लेकिन वर्दी है, और इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, ब्रश नहीं आती है, सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ ब्रश। तो ये है मेरा रिव्यू ऑन मैक जेल लाइनर। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा रिव्यू नहीं किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कमी लगती है इस वीडियो में तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, मैं आपको आंसर दे दूंगी। टिल देन बाय बाय। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इंडियन यूट्यूबर शिल्पी के नाम से, और मेरा फेसबुक पेज भी है इंडियन यूट्यूबर शिल्पी, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, प्लीज डू कमेंट। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।